हम लोग हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में, और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के हम लोग रानी लक्ष्मीबाई पार्क में हैं। किस प्रकार से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पर्यावरण को लेकर के कार्य कर रहा है, ये आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार की एक नई पहल है जिससे कि हमारे जो छात्र हैं वो पेड़ पौधों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। और ये रानी लक्ष्मीबाई पार्क है। आज हम आपको बताएंगे कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य कर रहा है, साथ ही पेड़ों के प्रति जागरूकता भी बढ़ा रहा है। तो आइए देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये जो है बुंदेलखंड विद्यालय ने जागरूकता कार्य किया। तो आप बुंदेलखंड विद्यालय ने किस प्रकार से ये अनोखी पहल की है, आप देखिए बुंदेलखंड विद्यालय में ये जो है वो पेड़ लगा हुआ है लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई पार्क में, और इन सभी पेड़ों में आप देखेंगे इस प्रकार की जो है वो जियो टैगिंग की गई है। अब जियो टैगिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है पाकड़ फाइकस वर्नेस। अगर हम अपने जो मोबाइल से QR कोड से जाकर के अगर हम इसको सर्च करते हैं, देखिए तुरंत इसमें एक जानकारी आ गई है। जानकारी क्या आ गई है, दिस ट्री बिलोंग्स टू बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, टुडे गिव अ प्रॉमिस, प्लीज डू नॉट अपरूट मी, डू नॉट कट मी, रिमेंबर आई एम योर फ्रेंड, डोंट यू सी आई ऑलवेज लुक अप टू द स्काई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय किस प्रकार से जो है पेड़ों के संबंध में जागरूकता फैला रहा है, इसका हम आपको उदाहरण दिखाते हैं। हमारे सामने आप देखें ये पेड़ है, इसमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने जितने भी हमारे पूरे कैंपस में पेड़ हैं उनके बारे में जियो टैगिंग कर सकते हैं। अब इस जियो टैगिंग से क्या लाभ होता है, जैसे हम अपने आपको हमको सीधे कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल पर जाना है, मोबाइल पर जाकर के हम अपना QR कोड से जब इसको सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि इस सर्च करने के बाद में उस पेड़ के संबंध में हमारी जानकारी हमको जो है वो सीधे सीधे गूगल से प्राप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से यहाँ पेड़ किस वैरायटी है, इस पेड़ का नाम जो है बेसिकली क्या है, एस्टोनिया स्कॉलिसिस, कॉल्ड ब्लैकबोर्ड ट्री, स्कॉलर ट्री, मिल्कवुड और डेविल्स ट्री। इट इज अ टॉक्सिक प्लांट बट इज यूज ट्रेडिशनली फॉर मिरार डिसीज एंड कंप्लेंट्स। तो एक हमारे पास में जो है अपने आसपास प्रकृति जिसमें हम रह रहे हैं उसमें हमारे पेड़ों के क्या नाम है, उनकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। इस एक पहल से कम जितने भी छात्र यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं उनका पेड़ों के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा और पेड़ों के प्रति वो जानेंगे भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे हम परिचित तो होते हैं लेकिन उनके बारे में हम जानते हैं नहीं है। मुझे लगता है ये एक बहुत ही सुंदर पहल है और ये अपने आप में जो है पेड़ों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य कर रही है।